अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, बीए इंग्लिश थर्ड ईयर हमारी जो पोइट्री की सीरीज़ हमने शुरू की हुई है लेक्चर्स की, आज उसमें पोएम नंबर जो 10 है वो हम करेंगे। और पोएम का नाम है जी ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, और लिखी किसने है जी मोस्ट फेमस ड्रामाटिस्ट प्ले राइट एंड पोइट द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विलियम शेक्सपियर, इसने ये कंपोज़ की है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में बताता चलूँ। विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि ही इज़ अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यही जुमला जो है ये जेफरी चौसर उसको भी कहा जाता है कि ही इज़ अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो विलियम शेक्सपियर जो है उसको भी फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। तो ये ट्रेजडी राइटर था और ड्रामाटिस्ट था, प्ले राइट था, और ये ख़ुद भी जो था वो एक बहुत अच्छा अदाकार था, अदाकारी बड़ी अच्छी करता था, और स्टेज ड्रामे जो है अपने लिखे हुए जो ड्रामे इसने जो ट्रेजडीज लिखता था तो उसमें ये परफॉर्म भी करता था। तो अपने दौर का बड़ा फेमस ये एक एक्टर भी था। तो इसने कमोबेश जो है ही रोट अप्रॉक्सीमेटली 101 ट्रेजिक प्ले, यानी इसने 101 के करीब जो है वो ट्रेजडीज लिखी, और उसमें बहुत फेमस फेमस है, किंग लियर है, उथेलो है, ठीक है ना, द मर्चेंट ऑफ वीनस है, और भी बड़ी फेमस फेमस जो ट्रेजडीज़ हैं वो इसने लिखी हैं, मैकबथ है, ठीक है ना। अगर उनको गिनना शुरू कर दे तो फिर सारा लेक्चर इस पर ही हो जाएगा। तो ही वॉज बॉर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616 में इसकी जो है वो डेथ होगी। जिस दौर में ये था उस वक़्त वो जो इरा था डेट वॉज अटैच्ड टू क्वीन एलिजाबेथ, और क्वीन एलिजाबेथ का ये बड़ा क्लोज था। शी वॉज मच इम्प्रेस्ड बाई द पर्सनैलिटी ऑफ विलियम शेक्सपियर, उसकी जो राइटिंग स्टाइल है उससे वो बड़ी इम्प्रेस थी, तो ये उसके साथ बड़ा अटैच था। अब इसमें ये भी देखें कि इसकी जो मैक्सिमम क्या, बल्कि ज़्यादातर जो ट्रेजडीज़ हैं, जो ट्रेजिक प्ले हैं, उसके अंदर जो है वो क्वीन, प्रिंसेस, ठीक है ना, यानी कि रॉयल सिचुएशन का ये सीन क्रिएट करता है। किस्सा मुख्तसर ये है कि ही वॉज अ फेमस प्ले राइट, ड्रामाटिस्ट, ट्रेजिक स्टोरी राइटर, ही वॉज अ पोइट, ये पोइट भी था। ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में इसको बाप का दर्जा दिया गया, तो ये बड़ा फेमस था। अब ये जो पोइम है बेसिकली ये एक मोनोलॉग है, दिस पोइम इज़ अ मोनोलॉग, और ये इसका एक प्ले है जिसका नाम है जी एज़ यू लाइक इट, एज़ यू लाइक इट। तो उसमें एक करेक्टर है जे क्यूज, तो वो जो जे क्यूज है ही इज़ एड्रेसिंग टू द ड्यूक सीनियर, तो वो ये अपनी जो है ये स्टोरी जो है ये बता रहा है, जिसमें उसने इंसान की जो ज़िंदगी है, ही हैज़ कैटेगराइज्ड द लाइफ ऑफ अ मैन इनटू 7 स्टेजेस, इनटू 7 एक्ट्स। तो वो जो जे क्यूज़ है वो ये जो वेरी फर्स्ट लाइन है ये एक फ्रेज़ है, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, तो ये पूरी एक जो मोनोलॉग है ये उस प्ले के अंदर से ली गई है। और ये कौन बता कौन रहा है, ये मोनोलॉग कौन कह रहा है, विलियम शेक्सपियर का जो करैक्टर है उसका जो एक प्ले है जिसका नाम है एज यू लाइक इट, तो वो ये बता रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मोनोलॉग है। अच्छा, इसके अंदर क्या है जी कि विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है जी कि ही हैज़ कैटेगराइज्ड द लाइफ ऑफ मैन इनटू 7 एक्ट्स, इनटू 7 स्टेजेस, 7 स्टेजेस, कि एक इंसान जो है वो पैदाइश से लेकर जब वो यानी कि पैदा होता है और मरते दम तक वो जो है वो 7 जो रोल हैं, जो किरदार हैं, वो अदा करता है। और इस पोएम के अंदर उसने जो ट्रांजिटरी यानी ट्रांजिटरी ऑफ ह्यूमन नेचर है उसका भी जिक्र किया है,
और उसने ये भी बताया है कि जो इंसान का जो ह्यूमन फेम होता है, यानी हम जो फेम के पीछे भागते हैं, डैट इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, द फेम इज़ शॉर्ट लिव्ड। कि यानी इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 7 जो करेक्टर हैं, 7 जो रोल हैं वो अदा करता है, और उसके बाद जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो उसका लाइफ स्पैन जो है डैट इज़ डैट एंड्स, वो ख़त्म हो जाता है। तो उसका जो करेक्टर है वो मतलब 7 रोल प्ले करके उसकी डेथ हो जाती है। तो इंसानी जो फेम है डैट इज़ शॉर्ट लिव्ड। तो हम इस पॉइंट को शुरू करते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो बाकी चीज़ें हैं वो जब आप लेक्चर 2 शुरू करेंगे तो उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करता है जी, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ये पूरी दुनिया जो है ये एक स्टेज है। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। और तमाम ख्वातीनों हजरात, यानी चाहे वो मैन है या वीमन वुमेन है, वो इसके प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स, अच्छा, प्लेयर्स का मतलब यहाँ पे खिलाड़ी नहीं है, प्लेयर्स। प्लेयर्स का मतलब यहाँ पे एक्टर्स हैं, यानी कि वो इसके अदाकार हैं, अदाकार, ठीक है, नहीं वो अदाकारी करने वाले हैं, वो यहाँ पे खिलाड़ी इसका मतलब नहीं। मेरली का मतलब होता है ओनली, महज, सिर्फ। ऑल द मैन एंड वीमेन मेरली प्लेयर्स, और तमाम जो मर्दो ख्वातीन हैं, मर्दो हजरात हैं, वो खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी का मतलब यहाँ पे क्या है, वो अदाकार हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स, ये इमेज जरा देखिएगा, एग्जिट्स, एग्जिट्स। अगर आप किसी स्टेज के दाएं बाएं देखें तो वहाँ पे लिखा होगा जी एग्जिट, और वहाँ पे एंट्रेंस का भी जो साइन है वो लगा होगा। तो एग्जिट का मतलब यहाँ पे खारजी दरवाज़ा, यानी द वे थ्रू विच द पीपल गो आउट। लेकिन यहाँ इसका मतलब जो है वो डेथ है। यानी एक इंसान आता है दुनिया में, उस स्टेज पे आता है और अपना जो रोल है वो अदा करता है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। एग्जिट का मतलब क्या है जी, के ही डाइज। सिंपल अगर इसको आप लिखना चाहें तो ही डाइज, मतलब रोल जो वो प्ले करता है उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, उनकी एंट्रेंस होती है। एंट्रेंस से मुराद यहाँ पे पैदाइश है, यानी जब वो पैदा होता है, और एग्जिट से मतलब उसकी जो है वो मौत है, यानी कि वो मर जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और अपनी ज़िंदगी में एक इंसान जो है वो कई किरदार अदा करता है। अ मैन प्लेज मैनी रोल इन हिज लाइफ, एक इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में कई जो है वो किरदार अदा करता है। His acts being 7 ages, और उसके जो acts हैं, जो उसके किरदार हैं, वो 7 उम्रों पर मुश्तमिल हैं, 7 ages। अच्छा, 7 का जो word है वो इसलिए भी इसने ज़्यादा use किया है, इस poem के अंदर लगाया गया है कि William Shakespeare की अगर आप जितनी भी tragedies पढ़ते हैं ना, या पढ़ें उसको देखें, तो उसके 7 acts होते हैं। यानी ये एक स्टैंडर्ड ट्रेजेडी राइटर जो है वो सेट करता है कि इसके आगे उसके रोल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एक्ट्स होते हैं वो 7 ही होते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब यहाँ पे रोल है, किरदार, और अपनी ज़िंदगी में एक इंसान कई किरदार अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसके जो एक्ट्स हैं वो 7 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, लेकिन फर्स्ट जो एज है जब इंसान पैदा होता है, तो दिस इज द एज ऑफ इन्फेंसी, इन्फेंट, INFANT, इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब क्या है जी, अ न्यू बॉर्न बेबी, यानी बच्चा जब पैदा होता है डेट इज एन इन्फेंट। पहली उम्र क्या है जी, फर्स्ट एज इज कॉल्ड
infant. At first the infant mewing. Mewing. अच्छा mewing का students मतलब होता है cry यानी कि रोना in a weak voice. ठीक है, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो ये उसकी पहली एज है, दैट इज कॉल्ड द एज ऑफ इन्फेंसी, और उसको इन्फेंट कहा जाता है. इन्फेंट शीरखार जिसको हम कहते हैं ना, मैं ये भी साथ लिख देता हूँ, इन्फेंट का जो है शीरखार यानी दूध पीने वाला बच्चा, अ न्यू बॉर्न बेबी. वो म्यूल करता है, ही स्टार्ट्स वीपिंग इन अ वेरी वीक वॉइस, हल्की हल्की आवाज़ में रोना शुरू कर देता है. एंड प्यूकिंग, इसको पकिंग भी बोलते हैं, इसको प्यूकिंग भी बोलते हैं. प्यूक होता क्या है, पी यू के ई. स्टूडेंट प्यूक जो है, प्यूक उसका मतलब होता है टू वॉमिट आउट मिल्क, यानी दूध की कह करना. दूध की क्या करना, बच्चा जो पैदा होता है उसको फीड करते हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि व्हेन ही इज़ ओवर ईटन, जब वो ओवर ईटन हो जाता है तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि वो प्यूक कर देता है, वो वॉमिट आउट कर देता है, तो वो हल्की आवाज़ में रो रहा है. ये पहली एज का जिक्र हो रहा है स्टूडेंट्स, वो हल्की आवाज़ में रोता है एंड वॉमिट आउट मिल्क, और दूध की क्या कर रहा होता है, इन द नर्सेज आर्म्स, अपनी जो आया है, अपनी जो नर्स है उसके बाजू में. दिस इज़ द फर्स्ट एज. फर्स्ट एज क्या है जी, द एज ऑफ इन्फेंसी, इन्फेंट शीरखार बच्चा. उसके बाद है जी, एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग डब्ल्यू एच आई एन आई एन जी, वाइनिंग. वाइनिंग का मतलब होता है जी कंप्लेनिंग, सी ओ एम पी एल ए आई एन आई एन जी, शिकायतें लगाता हुआ, वाइनिंग. ये देखें, ये शेक्सपियर के असल में स्टूडेंट यही तो खूबी है कि उसकी जो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जो इंसाइट है ना, डैट इज़ प्रोफाउंड वन, डैट इज़ वेरी डीप, कि उसको इंसानी जो नफ्सियात है उसका बड़ा अच्छा एक नॉलेज है, बड़ा अच्छा एक इलम है. अब देखें कि ये हम भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड इज़ गोइंग टू स्कूल, तो ही इज़ नॉट विलिंगली गो टू स्कूल, वो मर्ज़ी से स्कूल नहीं जा रहा, वो रोते हुए जा रहा है, वो जाना ही नहीं चाहता है, और वो शिकायतें लगाता है कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आज मैं ये है, आज वो है. ठीक है ना, तो शेक्सपियर ने उसको बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया है कि वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल. सैचल का मतलब है जी बैग. सैचल का मतलब क्या है, स्कूल बैग, एस ए टी सी एच ई एल, सैचल, स्कूल बैग, यानी उसने स्कूल का बैग भी पहना हुआ है, वो स्कूल जा भी रहा है, बट ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल विलिंगली, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल हैप्पीली, वो खुशी से नहीं जा रहा है. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसके चेहरे के ऊपर मासूमियत है. मॉर्निंग फेस का मतलब यहाँ पे इनोसेंस है, मासूमियत है. क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीप ये एक idiom भी है, क्रीप लाइक अ स्नेल. अच्छा क्रीप का मतलब होता है रेंगना, और लाइक अ स्नेल ये एक उसने सिमिली यूज की है, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल. इसका मतलब क्या है, स्नेल बेसिकली एक स्टूडेंट एक इंसेक्ट है, एक हशर है, हशरात उसको आप कह लें, कीड़ा है, डैट मूव्स एट अ वेरी वेरी स्लो स्पीड, जो कि बहुत ही आहिस्तगी से जो है ना वो आगे की तरफ मूव करता है. तो ये इंग्लिश में एक idiom भी है जी, लाइक अ स्नेल, एट अ स्नेल्स पेस भी इसको कहते हैं, एट अ स्नेल्स पेस, बहुत आहिस्ता रफ्तार के साथ. यहाँ जो सेकंड एज में वो जो बच्चा स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल विद अ वेरी स्लो स्पीड, एट अ वेरी स्लो स्पीड, यानी कि बहुत आहिस्ता रफ्तार से, एट अ
slow pace, یعنی آہستہ رفتار سے, کیونکہ اس کا دل نہیں کر رہا اسکول جانے کو, وہ شکایتیں بھی لگا رہا ہے, وہ وائننگ بھی کر رہا ہے, وہ کمپلیننگ بھی کر رہا ہے, بیگ بھی اٹھایا ہوا ہے, اور بڑا آہستہ آہستہ وہ اسکول, اس کے چہرے کے اوپر بچوں جیسی جو معصومیت ہے, جو مسکراہٹ ہے, وہ بھی ہے. ان ولنگلی ٹو اسکول, یعنی وہ نہ چاہتے ہوئے اسکول جا رہا ہے. ہی از ناٹ ریڈی ٹو گو ٹو اسکول, بٹ ہی از گوئنگ ٹو اسکول ایٹ اے سلو اسپیڈ, ود اے سلو اسپیڈ, ان ولنگلی. اسٹوڈنٹ, اب آگے جو ہے دیٹ اسٹارٹس تھرڈ اسٹیج, تیسری جو اسٹیج ہے وہ شروع ہو رہی ہے. اینڈ دین دا لور, اور پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, یہ تھرڈ ایج ہے, پھر ایک عاشق بن جاتا ہے. لور کا مطلب کیا ہے؟ اے پرسن ہو لوز, ہو انڈلجز ان لو, جو محبت, جس کے اندر محبت کا ایک جو جذبہ ہے وہ امڈ آتا ہے. And then the lover sighing, S-I-G-H-I-N-G, یہ لفظ ہے جی, sighing, آہیں بھرنا, to heave deeply, آہیں بھرنا, اپنی جو سویٹ ہارٹ ہے, اپنی جو محبوبہ ہے, اس کو یاد کر کر کے وہ آہیں بھر رہا ہے. سائنگ لائک اے فرنس, فرنس کا مطلب یہاں پہ بھٹی ہے, بھٹی جس میں ہم آگ جلاتے ہیں, یا فیکٹری کے اندر ایک بہت بڑی بھٹی لگی ہوتی ہے, اس میں آگ جلتی ہے, تو اگر اس کے پاس بھی بندہ جا کے کھڑا ہو جائے تو وہ بھی ایسے اس کے آگ کے شولوں کی آوازیں ایسے ہی آتی جیسے وہ آہیں بھر رہے ہوں. ود آ ووفل بیلڈ, ووفل وہ فل تو ہوتا ہے اداس, اور بیلڈ کا مطلب ہوتا ہے گیت, یعنی ایسا گیت جو اپنی سویٹ ہارٹ, اپنی محبوبہ کی تعریف میں لکھا جائے, اس کو بیلڈ کہتے ہیں. وہ فل بیلڈ, یا اس کا مطلب بن جائے گا سیڈ سانگ. انسان کی زندگی میں ایک یہ بھی ایج آتی ہے کہ جب وہ ایک عاشق بن جاتا ہے اور اپنی محبوبہ کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے, بات بات پہ اداس ہو جاتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے اور گہری گہری آہیں بھرتا ہے. اینڈ دین دا لور سائنگ لائک اے فرنس ود اے ووفل بیلڈ میڈ ٹو ہز مسٹریس, مسٹریس, ایم آئی ایس ٹی آر ای ڈبل ایس. اسٹوڈنٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے سویٹ ہارٹ, یعنی کہ میں اس کو بلاورڈ لکھ لیتا ہوں, بی ای ایل او وی ای ڈی, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا محبوبہ, یعنی اپنی جو سویٹ ہارٹ ہے, اپنی جو محبوبہ ہے, اس کی آنکھوں کی جو برو ہے, آئی برو, یعنی ایک ہوتی ہے جی آئی لیش, یہ جو آنکھ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں دے آر کالڈ آئی لیش, اس کو بولتے ہیں. ایک یہ اوپر والی چیز ہے, یہ والی, دس از کالڈ آئی برو, اس کو اردو میں بولتے ہیں جی بھویں. اور یہ اس نے اپنی, یہ جو گیت وہ گا رہا ہے, اس نے اپنی محبوبہ کے آئی برو کی تعریف میں لکھے ہوتے ہیں, اور اس کی جو ٹون ہوتی ہے, جو ٹیون ہوتی ہے اس کے گیت کی, وہ بہت ہی سیڈ ہوتی ہے, دکھی ہوتی ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو تھرڈ ایج ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ فورتھ ایج شروع ہوتی ہے, اینڈ دین آ سولجر کو میں تھوڑا سا اسٹوڈنٹ ایکسپلین کرنا چاہوں گا, ایس او ایل ڈی آئی ای آر, کیونکہ شیکسپیئر کی ایک یہ بھی بڑی خوبی ہے کہ یہ لفظ کچھ استعمال کرتا ہے لیکن اس کے میننگ کچھ ہوتے ہیں. تو اکثر کتابوں کے اندر سولجر کا مطلب جو ہے وہ سپاہی کے طور پر لیا گیا ہے, یہ ہرگز بالکل ایسی بات نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر بندہ سپاہی بنتا ہو, ٹھیک ہے نا, کہ ہر بندہ فوج کا سپاہی بن جائے یا پولیس کا سپاہی بن جائے, ایسے نہیں ہوتا ہے. سولجر کا مطلب ہے ایک انسان کی زندگی میں ایک ایج آتی ہے جب وہ وین ہی بیکمز اے پریکٹیکل مین, جب وہ ایک پریکٹیکل مین بن جاتا ہے. یعنی سولجر کا مطلب یہاں پہ آپ پریکٹیکل مین, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ تعلیم حاصل کرتا ہے, اور اس کے بعد جو چوتھی ہے شروع ہوتی ہے وہ سولجر بن جاتا ہے. سولجر کا مطلب یہاں پہ ولیم شیکسپیئر کا مطلب یہی تھا کہ ہی بیکمز اے پریکٹیکل مین, جب وہ پریکٹیکل لائف میں انٹرس دیتا ہے, داخل ہوتا ہے. دین اے سولجر فل آف اسٹرینج اوتھس, اوتھس کا مطلب یہاں پہ پرومسز ہیں, او اے ٹی ایچ ای ایس, اوتھس.
ओथ्स का मतलब क्या है जी? प्रॉमिसेस। अजीबोगरीब किस्म के वादे कर लेता है। वादे क्या है जी? कि ये एक एज आती है, बड़ी टर्निंग एज होती है, एक टर्निंग पॉइंट इन लाइफ होता है कि इंसान उस वक्त बड़ा एक्साइटेड होता है, उसके अंदर जो तवानाइयाँ होती हैं वो अरूज पे होती हैं। वो कहता है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये भी हासिल कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो वो बड़े अजीबोगरीब किस्म के जो वादे हैं वो अपने आप से कर लेता है। तो ये फोर्थ एज है। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओर्स एंड बियर्डेड। बियर्ड का मतलब स्टूडेंट होता है दाढ़ी। इधर से मैं रेज कर देता हूँ ताकि मजीद जो है बड़ी फेमस ये पोइम है, इसको ज़रा गौर से आप भी पढ़िएगा, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर जो आंसर क्वेश्चन आते हैं वो इतने मुश्किल नहीं, तो बड़े सिंपल से आते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर टू में एक्सप्लेन करूँगा। ये मीनिंग आप लिखते साथ लिखते जाइएगा। अच्छा, यहाँ पे उसने जो वर्ड यूज़ किया है बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। बियर्ड का मतलब क्या है? दाढ़ी। बियर्डेड लाइक द पार्ड। पार्ड का मतलब चीता कह लें, टाइगर कह लें। अब उसने ये सिंबल जो है, ये जो इमेज है, ये क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि जो अगर आप गौर करें, जो टाइगर की जो बियर्ड होती है वो थिन होती है। तो जब एक इंसान जो है, एक जो टीनएजर है, जब वो जवान हो रहा होता है तो उसके चेहरे के ऊपर जो दाढ़ी आती है वो पतली पतली होती है, ठीक है ना। यानी उसकी मसें जो फूट रही होती हैं वो इतनी घनी नहीं होती। तो देखें कितनी डीपली उसने ऑब्जर्व किया है विलियम शेक्सपियर ने इसको। बियर्ड लाइक द पार्ड, जेलस इन ऑनर, नो कम्प्रोमाइज ओवर रिस्पेक्ट। ऑनर हासिल करता है और ही वॉन्ट्स टू बी रिस्पेक्टेड। वो चाहता है कि मेरा मुआशरे में एक स्टेटस हो, मेरा मुआशरे में एक मकाम हो। सडन एंड क्विक इन क्वर्ल, झगड़ने में बड़ा तेज होता है, बात बात पे गुस्सा करता है, टेम्परामेंट लूज कर जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और ये भी एक हकीकत है कि हर इंसान स्टूडेंट बिल्कुल ये एक रियलिटी है, ब्रॉड डे लाइट एक रियलिटी है कि हर इंसान जो है वह ज़िंदगी में रिस्पेक्ट भी चाहता है और फेम भी चाहता है, ठीक है। यानी वो शोहरत के पीछे भाग रहा है, वो चाहता है कि लोग मुझे जाने, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो ये भी जो है ये एक एज आती है कि जब इंसान जो है वो फेम के पीछे भाग रहा होता है। और शेक्सपियर ने यहाँ पे जो फेम है उसके लिए उसने जो वर्ड यूज़ किया है बबल रेपुटेशन, बबल। अब ये जो बबल है इसका मतलब होता है टेम्परेरी, क्योंकि जो बबल है वो परमानेंट नहीं होता, ठीक है। बबल रेपुटेशन का मतलब क्या है? आरजी शोहरत, यानी फेम जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहता। और इस आरजी शोहरत को हासिल करने के लिए वो क्या करता है? इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि उसे कैनन के सामने खड़े होकर, कैनन के माउथ मुंह के सामने खड़ा होकर। कैनन का मतलब क्या है? CANNON, कैनन। वैसे इसका मतलब तोप होता है, कैनन्स माउथ। यहाँ इसका मतलब है इवन ही हैज टू डाई, ठीक है ना। यानी मौत के मुंह से भी उसे शोहरत छीननी पड़े तो वो तैयार हो जाता है। इवन ही हैज टू डाई टू गेट फेम, ये शोहरत हासिल करने के लिए उसे मौत का सामना भी करना पड़े, उसे तोप के सामने भी खड़ा होना पड़े तो वो खड़ा हो जाता है। ये भी इंसान की ज़िंदगी में कही जाती है। दिस इज़ फोर्थ एज। फोर्थ एज यहाँ पे एंड हो गई है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? जो फिफ्थ एज है वो है एंड देन द जस्टिस। स्टूडेंट ज़रा इस लफ्ज़ के ऊपर गौर कीजिएगा। फेमस मतलब बड़ा कॉमन वर्ड है, JUSTICE। शेक्सपियर कहता है जी पांचवीं एज में वो एक जस्टिस बन जाता है। तो क्या हर बंदा जो है वो जाके जस्टिस बन जाता है? नहीं। तो यहाँ इसका मतलब है, जस्टिस का मतलब ये है कि ही बिकम्स अ लॉजिकल मैन,
L-O-G-I-C-A-L, लॉजिकल मैन, ठीक है। यहाँ पे वो एक मंतकी आदमी बन जाता है, एक लॉजिक को फॉलो करने वाला। उसके अंदर वो जो है वो बचपन के जो इमोशंस हैं, वो जो स्कूल गोइंग चाइल्ड के हैं, वो जो न्यू बॉर्न बेबी के हैं, वो जो लवर के हैं, वो जो प्रैक्टिकल मैन यानी सोल्जर के हैं, वो इमोशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो क्या बन जाता है जी, कि एक लॉजिकल मैन बन जाता है, यानी वो कोई भी चीज़ देखता है तो उसका फैसला जो है वो लॉजिक पे करता है, अक्ल पे करता है, मंतक पे करता है, यानी कि वो एक सीरियस टाइप ऑफ मैन जो है वो बन जाता है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली। अब ये वो एज होती है जहाँ पे इंसान जो है उसकी तवानाइयाँ थोड़ी सी ख़त्म हो जाती हैं और उसकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो उसका फिर क्या होता है कि उसका जो बैली है, जो पेट है, वो थोड़ा सा राउंड हो जाता है और आगे को बढ़ जाता है विद गुड कैपन लाइंड, क्योंकि उसने जो है वो खुश खुराकी की होती है। कैपन का मतलब यहाँ पे एक डिश है, यानी मुर्गे से बनी हुई एक डिश है, उसका जिक्र किया गया है। और लाइंड का मतलब यहाँ पे ये है कि वो ओवर ईटिंग करता रहा है, यानी उसने अपने वो खा के उसकी जिस तरह हम कहते हैं ना कि उसने तह लगा ली है, तो वो ओवर ईटिंग करके और फारग रह के और जो उसकी एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला है कि उसका जो बैली है, जो पेट है, वो थोड़ा सा राउंड हो गया है। फेयर राउंड बैली, बैली का मतलब यहाँ पे पेट है। विद आईज स्वेर, SEVERE, स्टूडेंट स्वेर का मतलब होता है हार्शनेस, या आप यूं कह लें कि सीरियसनेस कह लें, SERIOUSNEESS, यानी उसके आँखों में जो है वो संजीदगी आ जाती है, वो एक संजीदा इंसान बन जाता है। विद आईज स्वेर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और रस्मी दाढ़ी जो है, फॉर्मल कट क्या है, उसकी जो दाढ़ी है वो रस्मी हो जाती है। अब वो रोज़ जो है वो शेव नहीं कर पाता, ये भी एक एज आती है कि जब इंसान जो है वो शेव कर करके उकता जाता है, तंग आ जाता है, रस्मी हो जाती है, यानी वो ख़त करवा लेते हैं। फॉर्मल कट, फुल ऑफ वाइज साज, वाइज तो अक्लमंद होता है, और साज का मतलब यहाँ पे प्रोवर्ब्स हैं, SAW, सा का मतलब ऐसे देखा, सी की सेकंड फॉर्म, अगर इसके सामने हम एस लगा रहे हैं साज, तो इसका मतलब हो जाता है कोटेशंस, प्रोवर्ब्स, ठीक है ना। यानी जब भी इसके सामने कोई बात की जाती है तो वो लॉजिक पेश करता है, वो लॉजिकली उसका आंसर जो है वो मंतक के ऊपर उसका आंसर जो है वो देता है। बात बात पे जो है मॉडर्न इंस्टेंसेस का मतलब यहाँ पे मिसालें हैं, जदीद मिसालें देता है, कहावतें देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस तरह ये जो उसकी जो पाँचवीं एज है ये भी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद क्या है जी के छठी एज, सेकंड लास्ट एज जो है वो शुरू होती है, द सिक्स्थ एज, यानी कि छठी एज शुरू हो जाती है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू का मतलब होता है चेंज इनटू, उसमें वो बदल जाता है। लीन का मतलब क्या है जी, दुबला पतला, ठीक है ना, दुबला पतला, यानी कि थिन कह लें आप इसको, कमज़ोर हो जाता है, वीक कह लें, स्टूडेंट आप इसको वीक कह सकते हैं। वोकैबुलरी आप जितनी ज़्यादा रखेंगे उसका आपको फ़ायदा हो जाएगा। लीन एंड स्लिपर्ड का मतलब है कि ही वियर्स लूज शूज़, स्लीपर पहनता है, खुले जो शूज़ होते हैं, जो स्लीपर टाइप होते हैं वो पहनता है। पेंटालून का मतलब यहाँ पे पतलून, ऐसी पतलून जो ढीली ढाली है, अब वो जीन्स नहीं पहन सकता, अब वो ड्रेस पैंट जो है वो नहीं पहन सकता, अब वो पेंटालून पजामे पहनना शुरू कर देता है, नीचे स्लीपर पहनना शुरू कर देता है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और उसके आँखों के आगे चश्मा आ जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसके बगल में एक पाउच आ जाती है, एक छोटा सा बैग आ जाता है, गुथली आ जाती है। हिज यूथफुल होज का मतलब स्टूडेंट ये स्लैंग वर्ड है, HOSE, होजरी, यानी अंडरगारमेंट्स, इसमें वेस्ट हैं, सॉक्स हैं, ये जो भी हैं,
उसकी जो अंडर गारमेंट्स हैं जो उसने जवानी में वो इस्तेमाल करता रहा है और अब वो पहनता है तो वो उसको क्या है, वो बहुत ही खुली होगी, लूज हो गई है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, वो उसको बड़ी ढीली हो गई है। फॉर हिज श्रंक शैंक, श्रंक श्रंक तो होगी थर्ड फॉर्म, श्रिंक श्रैंक श्रंक। श्रंक का मतलब यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। श्रंक का मतलब यहाँ पे है जी सुकड़ गई हैं, डिक्रीज हो गई हैं। और शैंक जो होती है स्टूडेंट, ये अंडर द नी, यानी इस नी से नीचे बाकी जितना भी जो टांग होती है उसको शैंक कहते हैं, पिंडली, जिसको उर्दू में हम पिंडली बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो पिंडलियाँ हैं वो सुकड़ गई हैं, वो कमज़ोर हो गई हैं। एंड हीज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो जवानी वाली आवाज़ थी जिसके अंदर एक बड़ी रेजोनेंस थी, जब वो बात करता था तो लोग कांप उठते थे, यानी इतनी उसकी आवाज़ थी, अब उसमें क्या है जी, हीज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रीबल, ट्रीबल टी आर ई बी एल ई। ट्रीबल का मतलब क्या है, उसमें किवरिंग आ गई है, यानी उसमें कपाहट आ गई, उसकी जो जवानी की आवाज़ थी जिसके अंदर बड़ी रेजोनेंस थी, अब उसके अंदर जो है वो कपाहट आ गई है, अब उसमें ट्रीबल आ गई है, कपकपी आ गई है। हाँ जी, और उसके बाद फिर क्या है जी, पाइप्स, पाइप्स जब बात करते हैं तो मुंह से विसल हो जाती है, पाइप, क्योंकि दांत निकल गए ना सामने वाले, तो पाइपिंग करते हैं। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ में क्या है, अब विसलिंग आ गई है। अच्छा, उसके बाद फिर लास्ट एज जो है, ये वो एज है जिसमें इंसान जो है ना, ही बिकम्स अगेन अ चाइल्ड, ही बिकम्स अगेन अ बेबी, वो एक दोबारा बच्चा हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है। लॉस इन ऑफ ऑल डेट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, यानी उसकी जो वाक्यात से भरी हुई तारीख है उसका इख्तिताम हो जाता है, उसका लाइफ स्पैन का एंड हो जाता है। इस सेकेंड चाइल्डिशनेस, अब वो दोबारा बच्चा बन गया है। एंड मेयर ओब्लिवियन, ओब्लिवियन ये मुश्किल वर्ड है, ये मैं लिख देता हूँ, ओ बी एल आई वी आई ओ एन। अच्छा, ये क्या है जी, ये है जी मेंटल डिमेंशिया, मेंटल डी एम ई एन टी आई ए टी आई ए, मेंटल डिमेंशिया। मेंटल डिमेंशिया क्या होता है कि ये एक जहनी बीमारी है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना नसियान। ये जब इंसान बहुत ज़रा बूढ़ा हो जाता है, ही बिकम्स द विक्टिम ऑफ मेंटल डिमेंशिया, तो वो नसियान का, यानी ओब्लिवियन का शिकार हो जाता है। सेंस, सेंस स्टूडेंट ये फ्रेंच वर्ड है, सेंस सेंस, और ये इसका मतलब होता है विदाउट, ठीक है। सेंस टीथ, मुंह में दांत नहीं है। सेंस आईज, आंखों में रोशनी नहीं है। सेंस टेस्ट, कुछ खाता है मज़ा नहीं आता है। सेंस एवरीथिंग, और हर चीज़ से मुंह बर्रा हो जाता है। नाउ ही इज़ ओनली वेटिंग फॉर डेथ। उम्मीद है कि आपको ये नज़म जो है वो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।